मैं मोहित सोनकर निवर्तमान वित्तीय मंत्री कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 20 अगस्त की घटना के संदर्भ में अपना पक्ष रखते हुए यहां बताना चाहता हूं कि वायरल वीडियो से संबंधित महिला के साथ मेरा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में परिचय था। मेरा संबंधित महिला से किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी संबंध नहीं था, जिसकी पुष्टि महिला के माध्यम से भी की जा चुकी है। 20 अगस्त की शाम को मैं बाकरगंज से आनंदपुरी की ओर जा रहा था, जहां मुझे संबंधित महिला अपना जन्मदिन मनाती नजर आई। तभी मैंने अपनी कार रोककर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, जिसके दौरान कुछ शरारती तत्वों ने एवं विरोधी पार्टी के सदस्यों ने मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए षड्यंत्र रचकर मेरे एवं संबंधित महिला के परिजनों को मेरे एवं संबंधित महिला के साथ अवैध संबंधों का हवाला देते हुए गुमराह कर वहां पर बुलाया एवं उन्हें भड़काकर मुझ पर जामलेवा हमला किया गया एवं साथ ही मेरा वीडियो वायरल करके मेरी एवं मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। वायरल वीडियो के माध्यम से शरारती तथ्यों ने यह दर्शाने की कोशिश की गई कि संबंधित महिला के साथ मुझे आपत्तिजनक स्थिति में देखे जाने के कारण पीटा गया, जबकि यह पूर्णतः गलत है। ऐसी कोई भी वीडियो या फोटो नहीं है जिसमें मुझे ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है या पाया गया हो। अंत में मैं भारतीय जनता पार्टी एवं अपने संगठन से अपना पक्ष रखते हुए यह कहना चाहता हूं, भले ही मुझे पार्टी से वायरल मीडिया वीडियो को सत्य मानते हुए मेरे पक्ष जाने बिना पार्टी से निष्कासित कर दिया गया हो, इसके बावजूद मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की अपनी आखिरी सांस तक सदैव पार्टी के हित में कार्य करता रहूंगा।